भारतीय एविएशन सेक्टर का टर्बुलेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि संकट के बादल खत्म हुए, अब यात्रा नॉर्मल हो गई है, तभी इसके पंख फिर से थरथराने लगते हैं। देश में हवाई यात्रा की जरूरत और हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन एविएशन कंपनियों का कारोबार ऐसे हाथी पालने जैसा है जिसे खिलाने पिलाने में उनका सब कुछ बिक जा रहा है। कंपनियां घाटे से उबर नहीं पा रही और उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 में इंडिगो के ऊपर 3,897 करोड़ रुपए का कर्ज तो स्पाइसजेट के ऊपर 1,079 करोड़ रुपए का कर्ज था। सभी एयरलाइंस की हालत खस्ता है। कंपनियां तरह तरह के प्रयास से कारोबार को सही रूट पर लाने की कोशिशों में लगी हैं। इस सेक्टर में नए उतरे एयरलाइंस को तो पांव जमाने में और भी मुश्किलें हो रही हैं। इस वजह से बिग बुल राकेश झुंझुनवाला जैसे दिग्गज के नाम के साथ गाजे बाजे के साथ ऐलान होने वाले अकासा एयर की फिलहाल कोई खबर नहीं दिख रही। आपके मन में सवाल आएगा कि अगर सौदा इतना घाटे का है तो फिर भला एविएशन कंपनियां इसमें टिकने के लिए जी जान क्यों लगाए हुई हैं? तो इसका जवाब है भारत में एविएशन कारोबार का भविष्य। दक्षिण एशिया के पैसेंजर ट्रैफिक में भारत का करीब 70% योगदान है। साल 2024 तक चीन को पछाड़ भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, ऐसा भी अनुमान है। सरकार की उड़ान स्कीम से 5 साल में घरेलू यात्रियों की संख्या में तेज बढ़ोतरी होगी। साल 2018 से 2021 के दौरान बड़ों में गिरावट के विपरीत छोटे एयरपोर्ट्स की पैसेंजर ग्रोथ बेहद मजबूत है। बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये कंपनियां घाटे से मुनाफे में आ पाएंगी? तो इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि काले घने बादलों के बीच भी कुछ उम्मीद की किरणें दिख रही हैं। हाल में विमानों के ईंधन ATF की कीमतों में कमी आई है। दूसरा अहम पॉजिटिव संकेत है रुपए में गिरावट का थमना। इससे एविएशन कंपनियों को फॉरेक्स में होने वाले घाटे में कमी आएगी। इसी तरह एक और पॉजिटिव बात यह है कि अब मांग भी लगातार बढ़ रही है। अक्टूबर में घरेलू यात्री संख्या करीब 27% बढ़कर 1.14 करोड़ रही है। एक और अहम बात यह है कि जेट के रेजोल्यूशन में देरी से इस सेक्टर में अभी ज्यादा कंपटीशन रहने का अनुमान नहीं है। इसी तरह प्राइसिंग कैप का हटना भी एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी बात है। सरकार ने घरेलू किरायों पर लगा प्राइसिंग कैप इस साल 31 अगस्त को हटा दिया है, यानी एयरलाइंस अब अपनी सुविधा के हिसाब से किराए तय कर सकती हैं। तो अब जान लेते हैं कि इन कंपनियों के मुनाफे में आने के ट्रिगर्स क्या हैं। ATF की कीमतों में कमी, रुपए में कमजोरी का थमना, लगातार बढ़ती मांग, कंपटीशन में कमी और प्राइसिंग कैप का हटना। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय एयरलाइंस अभी संकट के बादलों से गुजर रहे हैं, लेकिन आगे इनसे कुछ पार निकलने की उम्मीद दिख रही है। हालांकि ज्यादा लागत और लगातार कई तरह की समस्याएं आते रहने की वजह से इस सेक्टर में टिके रह पाना बड़ी से बड़ी कंपनियों के लिए मुश्किल हो रहा है। मनी 9 के लिए संदीप ग्रोवर की रिपोर्ट।